शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलवान पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश का वैक्सीनेशन अन्य प्रदेशों के लिए रोल मॉडल साबित हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के सशक्त एवं सफल कार्य योजना के बदौलत और सभी के समन्वित प्रयासों से यह संभव हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को कोरोना महामारी से बचने के लिए 3 चरणों में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया था, जो बेहद सफल रहा है और वैक्सीनेशन का महासंकल्प पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राम खेलवान पटेल आज शहडोल जिले के सिविल अस्पताल बिहोरी में ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विधायक बिहोरी शरद कोल, कलेक्टर वंदना वैद्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री ने सिविल अस्पताल बिहोरी में लगभग 36 लाख रुपए से निर्मित 200 LPM क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया और कहा कि ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र के लोगों के लिए सौगात है। यह ऑक्सीजन प्लांट क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होंगी तथा इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिवस पर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सेवा ही संगठन के नाम से यह है पर्व मनाया जा रहा है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज पूरे हमारे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आज इस ज़िले में 71,000 पौधे लगाने का काम हुआ है। आज हमने शहडोल में जिला अस्पताल में 1,000 लीटर प्रति मिनट का ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। आपके व्यवहारी में 200 लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस पर प्रभारी मंत्री एवं विधायक द्वारा सिविल अस्पताल बिहोरी परिसर एवं नगर परिषद खांड के देवलोंद अस्पताल में 71 पौधारोपण कर साफ सफाई एवं स्वच्छता के साथ साथ पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बिहोरी में कलेक्टर वंदना वैद्य, पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर, समाज सेवी ओम प्रकाश सोनी, शत्रुघ्न पटेल एवं देवलोंद में CMO आनंद श्रीवास्तव, राधारमण द्विवेदी, संजीव पांड्या सहित अन्य समस्त कर्मचारियों के साथ समाज सेवी KP सिंह बेस, वीरेंद्र बेस, कमलेश गुप्ता, गया पयासी प्रेमदास द्विवेदी उपस्थित रहे। आज वैक्सीनेशन का 3रा महाअभियान है, जिसमें टारगेट है कि अगले 1 सप्ताह के अंदर शहडोल में पहला डोज 100% कर दिया जाएगा। हमने 4-5 जगह वृक्षारोपण किया है, आपके यहाँ भी वृक्षारोपण किया है, वे अपने यहाँ और पाटन में भी जाकर वृक्षारोपण करने का काम करेंगे और 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में सेवा ही संगठन के नाम से किसी दिन उज्ज्वला गैस का वितरण, किसी दिन किसानों के लिए मैंने अन्य कार्यक्रम तय हैं और निश्चित रूप से सेवा ही संगठन के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है। ग्रामीण भारत TV के लिए शहडोल से विजय रजक की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।